الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم इससे पहले की आयतों में वाकया इफ़ को बयान किया गया था, यानी ग़ज़वे बनू मुस्तलिक के मौका पर मुनाफिकीन ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दामन को दागदार करने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगा दिया था। उस इल्ज़ाम से मुतालिक क़ुरान मुक़द्दस की बात यह आई कि किसी इंसान पर इल्ज़ाम लगाने वाले पर ज़रूरी है कि वो चार ऐनी गवाह पेश करें। अगर तीन आदमी गवाही पेश कर दिया, चौथा इनकार कर दिया, फिर तीनों को 80-80 कोड़ा मारा जाएगा। और अगर चार ने ऐनी गवाही पेश कर दी तो फिर उसकी बात मानी जाएगी, जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया उस मुलजिम को मुजरिम समझा जाएगा और फिर सजा दी जाएगी। ये बात भी इससे पहले आ चुकी है, अगर गैर शादी शुदा बाहम जिनाकारी और बदकारी करता है तो ऐसे इंसान को 100 कोड़े लगाने का हुक्म है। लेकिन शादी शुदा इंसान अगर ये बुरी हरकत करता है तो फिर उसे संसार नहीं संसार किया जाएगा, पत्थर से मार मार के हलाक कर दिया जाएगा। साथ साथ ये बात भी आई थी कि ये सज़ा छुप छुपा कर नहीं बल्कि पूरे समाज के सामने मैदान में ये सज़ा दी जाएगी, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस बुरी हरकत का अंजाम क्या होता है। दूसरी बात, ये बात भी बतलाई गई थी कि जब ऐसे मुजरिम को सज़ा दी जाए तो सज़ा देने वाले इंसान के दिल में किसी किस्म की नरमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म है, हमें उसे अदा करना है, अंजाम देना है। फिर मुसलमानों को अफवाह पर ध्यान देने से और सुनी सुनाई बातों पर तवज्जो देने से मना किया गया, और साथ साथ ये बात बयान की गई कि मुस्लिम समाज में, पाकीज़ा समाज में इस किस्म को के बुराइयों को फैलाने वाले अच्छे लोग नहीं होते, वरना अच्छे लोग बुराइयों की रोकथाम की कोशिश करते हैं। तो जो इंसान फहशकारी को फ़रोग देता है और अहले ईमान से मुतल्लिक इस किस्म की बातों को फैलावा देता है, बढ़ावा देता है, तो दुनिया आखरत दोनों में ऐसे इंसान को अजाब अलीम से दोचार होना पड़ेगा या सख्त किस्म की सज़ा उसे मिलेगी। आगे की आयतों में इसी से मुतल्लिक चंद बातें मजीद बयान की जा रही है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान, ए ईमान वालों शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। क्यों न चलो? वमन यत्तबी खुतुवातिश शैतान, जो इंसान शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा, फ़इन्नहु यामुरु बिल फहशाई वल मुनकर, तो शैतान फहशकारी का और गुनाह के काम का हुक्म देता है। इसका मतलब ये हुआ कि शैतान के नक्शे कदम पर चलने वाला इंसान खुल्लम खुल्ला बुराई करेगा और आम गुनाह उससे सरदद होता रहेगा। इसलिए अहले ईमान को मुखातब करते हुए अल्लाह ने कहा,
कि शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, शैतान का कहा मत मानो, शैतान की बात मत मानो, शैतान का दिखलाया हुआ रास्ता मत अपनाओ। अब शैतान क्या क्या रास्ता अपनाता है, कुरान में इससे पहले भी कई बार बात आ चुकी है, आगे भी आने वाली है कि शैतान इंसान को रहमान से दूर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सब्ज बाग दिखाता है। शैतान किसी को जोर जबरदस्ती गुनाह में मुलव्विस नहीं करता, बल्कि गुनाह को उसके सामने आरास्ता और पैरास्ता मुजयन करके सजा करके पेश कर देता है। इंसान उस सजावट से दोचार होता, उसमें चला जाता और बुराई कर लेता। तो शैतान किसी को जबरदस्ती गुनाह पे लगाता नहीं है, बल्कि गुनाह से मुतालिक वसवसा अंदाजी करता है, दिल में ख्याल डालता है। नतीजे के तौर पर शैतान के बहकाने में इंसान चला आता है और जो शैतान चाहता है वही कर गुजरता है। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, शैतान की बात मानोगे तो। शैतान चाहता है बुराई को फैलाना, शैतान चाहता है गुनाह के काम को आम कर देना, शैतान खुला हुआ भी गुनाह कराता है, छुपा हुआ भी गुनाह कराता है, शैतान इनफरादी तौर से गुनाह कराता है, शैतान इज्तमाही तौर से गुनाह कराता है। तो कहा तुम शैतान का कहा मानोगे, तो चूंकि शैतान कोई अच्छा हुक्म तो नहीं देता, वो बुराई का हुक्म देता है, तुम शैतान का कहा मानने के नतीजे में बुराई में मुलव्विस हो जाओगे और तुम्हारी आकबत बर्बाद हो जाएगी। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता और उसकी रहमत ना होती, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो तुम में से कोई कभी भी पाकी इख्तियार कर ही नहीं सकता था। वजह क्या है कि इंसान पाक रहना चाहता है, रहमान पाक रहने का हुक्म देता है, लेकिन शैतान नापाकी के रास्ते उसके सामने खोल के रखता है। तो जो चीज उसके सामने खुशनुमा बन के आएगी, इंसान उसी का पैरोकार बन जाएगा। कि अल्लाह का फजल होता, उसकी रहमत होती है कि अल्लाह शैतान के बहकावे से तुम्हें बचा लेता है और गुनाह के काम में मुलव्विस होने से तुम्हें महफूज कर देता है। वरना कोई इंसान सोचे अपने बलबूते पर गुनाह से बच जाएंगे, मुमकिन नहीं है, क्योंकि शैतान पूरी तरह इस काविश में और कोशिश में लगा हुआ है कि इंसान जो जन्नत से निकाला गया है दोबारा उसे जन्नत में न जाने दिया जाए। जिस वजह से वो जन्नत से निकला है उस किस्म की हरकतें बार बार करवाता है ताकि इंसान जन्नत में दाखिल फिर दोबारा ना हो सके। तो अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह की रहमतों मेहरबानी होती है, शैतान के हथकंडे धरे के धरे रह जाते हैं और इंसान उससे अपने आप को बच बचा के निकाल लेता है। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है पाक कर देता है। एक इंसान गुनाह से बच के पाक रहता है, एक इंसान गुनाह कर लेने के बाद भी पाक हो जाता है। तौबा कर लिया, इस्तिग़फ़ार कर लिया, अपने खताओं की माफ़ी तलाफी कर ली, तो पाक हो जाता है। तो अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला है, या तो अल्लाह पहले ही बचा ले, या अल्लाह तबारक व तआला ने मोहलत दे दिया, रुख्सत दे दी, जाओ तुम्हारी रस्सी ढीली है, तुमने हरकतें बुरी कर ली हैं, लेकिन फिर अल्लाह की जानिब से तौफीक मिल जाती है। फिर अल्लाह की जानिब से तौफीक मिलने के बाद इंसान तौबा करता है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल करके उसे पाक भी कर देते हैं। अल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला है, यानी अल्लाह सब कुछ सुनने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। कौन इंसान क्या बात करता है सुनना है, कौन इंसान क्या हरकतें बजा लाता है वो देख रहा है और जान रहा है। बहुत सारी बातें इंसान छुप छुपा के पोशीदगी में करता है, बंद कमरे में करता है, कानों कान किसी खबर नहीं होती है, माँ बाप को खबर नहीं है, बच्चे लिहाफ के अंदर चादर के अंदर बंद कमरे में घुसे हुए क्या क्या गुड़ खिलाते हैं, बगल में रहने वाले को पता नहीं चलता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ सुन रहा होता है और सब कुछ जान रहा होता है। कहा अगर तुम बचना चाहते हो तो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत समी और सिफत
अलीमी को याद रखो कि जो कोई तुम्हारी बात सुनता नहीं है वो अल्लाह सुन रहा है। तुम्हारे सीने में घर घराट क्या होती है, वसवसा और ख्यालात क्या पैदा होते हैं, अल्लाह उसको भी सुन रहा है। और तुम क्या छोटा बड़ा अच्छा बुरा काम कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला तमाम को जान रहा है। इसलिए अगर अल्लाह की इन दो सिफतों का खास ख्याल करोगे तो अपने आप को बुराइयों से बचाने की कोशिश करोगे। وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ। यह आयत एक खास वाकया के तहत नाजिल हुई। इससे पहले जो वाकया आपके सामने गुजर चुका कि हजरत आयशा पे जिन लोगों ने इल्जाम लगाया था तो इल्जाम लगाने वाले का सरदार था अब्दुल्लाह इब्ने उमय, लेकिन उस इल्जाम लगाने वालों में सीधे साधे मुसलमान भी चले गए थे, उनकी नीयत नहीं थी। लेकिन ऐसा होता है कि अच्छी बातें आमतौर से मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन बुरी बातें सुनने के लिए इंसान के पास वक्त बहुत रहता है, वो सुनता भी रहता है। और जो चीज बार बार सुनी जाती है कहीं ना कहीं वो चीज दिल में घर कर जाती है। सीधे साधे साहब हजरत मिस्ता बिन उसासा है, हजरत ज़ैनब बिनते जहश है, हजरत हसान बिन साबित शायर रसूलुल्लाह है, इन लोगों के दिल में कोई हजरत आयशा से मुतल्लिक गलत ख्याल नहीं था। लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने उबै और उसके साथियों ने इतना प्रोपेगंडा किया कि सीधे साधे लोग भी उसमें चले गए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का खाला जाद भाई था मिस्ता बिन उसासा, गोया हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ना का चचा हो गया। लेकिन इस चचा ने अपनी भतीजी का ख्याल नहीं रखा, जबकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नो बाजाब्ता उस खलेरा भाई की किफालत करता था, करते थे, खाने पीने का मसला है, लेने देने का मसला, मुस्तकिल महीने के तौर पर उनके घर में गल्लाजात पहुंचाया करते थे। मुखालफत में ऐसा अंधा बन जाता है इंसान कि सारे एहसान को भूल जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी तकलीफ हुई, भाई हम उसे खिलाते पिलाते अल्लाह ने दिया हम उसको देते हैं, इस आदमी ने इसका भी ख्याल नहीं रखा और मेरी बच्ची पर इल्ज़ाम लगा और उस इल्ज़ाम को इन्होंने बढ़ावा दे दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कसम खा लिया कि अब उसको कभी खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, कभी उसको गल्ला और पैसा वगैरह नहीं देंगे। उस पर अल्लाह ने क्या कहा, वला यअतल उलुल फजल मिनकुम वस्सअ, जो फजीलत वाला है और जो फराखी और वसत वाला है वो इस बात पे कसम ना खाए, अयूतु उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, कि वो अब कराबतदार को रिश्तेदार को मिस्कीनों को और अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों को हम कुछ नहीं देंगे। नहीं देने पर कसम न खाए वो इंसान जिसको अल्लाह ने बावकार बनाया है और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने खुशहाल बनाया है। इरादा है अब अगर सिद्दीक की तरफ आप फजीलत वाले इंसान हैं और साथ साथ अल्लाह ने आपके जरिए से ये काम भी लिया और ले रहा है, अब अगर कसम खा लेंगे ऐसे लोगों को नहीं खिलाएंगे तो इन गरीबों नादार का मसला हो जाएगा, तो ऐसे अच्छे इंसान इस किसी में कसम नहीं खाया करते हैं बल्कि उनको देते लेते रहना चाहिए। फरमाया वलियस्फहू वलियाफू वलियस्फहू, चाहिए कि वो माफ़ कर दे और दरगुदर कर दे। इंसान होने के नाते उससे गलती हो गई है, अब उस गलती की सजा के तौर पर खाना दाना पिया देना बंद कर दे ये मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है, आगे उसकी वजह बदलाइए। अला तुहिब्बूना यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे? जिस तरह तुम्हारी चाहत होती है कि अल्लाह तुमको बख्श दे, तुम्हें इस तरह चाहना चाहिए कि तुम भी दूसरों को बख्शने वाला बन जाओ। अगर जिसने तुम्हारी बच्ची पे इल्जाम लगाने में बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, तुम्हारी जिम्मेदारी उनको बख्श दो, माफ कर दो। वल्लाहु गफूर रहीम, इसलिए कि अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला बड़ा रहम करने वाला है। तुम अल्लाह को मानते हो, तुम भी बख्शने वाला हो जाओ, तुम भी रहम करने वाला हो जाओ। तुम देखते नहीं हो कि रुवे ज़मीन पर अल्लाह की धरती पर रहने वाला इंसान अल्लाह की नाफरमानी भी करता है
अल्लाह की खिलाफ वर्दी भी करता है, अल्लाह के कानून से कानून की मुकम्मल खिलाफ वर्दी करता है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक बताला उसे खिलाता पिलाता है। सिर्फ इस बुनियाद पर गुनाह करेगा हम खाना बंद कर देंगे? तो अगर इस आदमी ने, आपके रिश्तेदार ने आपकी बच्ची पर इल्ज़ाम लगाने में बहुत ज़्यादा जोर दिया है और इसके नतीजे में आप जैसे शरीफ इंसान, बावकार इंसान, इज्जतदार इंसान उसका खाना पीना बंद कर देंगे, ये मुनासिब नहीं है। इस अंदाज़ा लगाना चाहिए। एक जानिब अगर कोई किसी का खाता है उसका गुण गाना चाहिए, उसके बहुत सारी चीज़ों में उसका सपोर्ट करना चाहिए, उस पर इल्ज़ाम तराशी करने से गुरेज और परहेज करना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई इंसान ऐसी हरकत कर जाता है तो जो इंसान साहब वक़ार होता है, इज्जत व एहतराम का मालिक होता है और खुशहाल और सरमायादार होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी सरमायादारी को मद्देनजर रखते हुए ऐसे गरीब व नादार पर खर्च करते रहना चाहिए। सिर्फ इस बुनियाद पर कि आप भी चाहते हैं कि अगर आपसे कोई लगदिश हो जाए तो अल्लाह माफ़ कर दे, अब यह समझ लें कि इसने गलती कर ली है, आप इसे माफ़ कर दीजिए। لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب نذير। यकीनन जो लोग पाक दामन भोली भाली ईमान वाली औरत पर इल्ज़ाम लगाते हैं, لعينوا في الدنيا والآخرة, तो ऐसे लोगों पर दुनिया आखरत में अल्लाह की लानत, ولهم عذاب نذير, और उसके लिए बहुत बड़ा आजाब है। यानी पाक दामन चाहे मर्द हो चाहे औरत, उसके खिलाफ अगर कोई इंसान इल्ज़ाम तराशी करता है, ये मामूली जुर्म नहीं है, किसी की इज्जत व आबरू से खिलवाड़ करता है, ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि उस गुनाह के नतीजे में दुनिया में इस पर लानत हो सकती है, आखिरत भी लानत होगी, और अगर उसका गुनाह बख्शा नहीं गया तो बड़े अजाब से दो चार किया जाएगा। और इंसान किसी के बारे में कुछ बोल देता है, उसकी तहकीक करने की जरूरत भी नहीं समझता, किसी ने बोल दिया हाँ ऐसा किया होगा, हो सकता है। जब तक तहकीकी इल्म आपके पास ना हो तब तक आप उस बात में अपनी जानिब से हाँ में हाँ नहीं मिला सकते हैं, वरना कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कफा बिल मरी कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल मा समिअ, इंसान के गुनहगार होने के लिए ही बात काफ़ी है, या इंसान के झूठा होने के लिए ही बात काफ़ी है कि वह सुनी सुनाई बात को बयान कर दे। किसी ने कहा कहते कौवा कान लेके चला गया, वो कान छूता नहीं, कौवा ही के पीछे दौड़ता है। अरे कान पकड़ के देखो तुम्हारा कान है कि नहीं है। तो अगर कोई बात आप तक पहुंचाई गई, किसी से मुतल्लिक खबर दी गई, आप उसकी तहकीक कर लीजिए। जब तक उस बात की तहकीक आपके पास नहीं आती है, उस सिलसिले में आप बदगुमान नहीं हो सकते। अगर बदगुमान हो गए, वह आपने तहकीक का दामन छोड़ दिया, अब गुनाह में शामिल हो गए, गुनाह में शामिल होने के नतीजे में अगर आपने भी एक दो आदमी को बोल दिया तो आप ऐसा मुजरिम हो जाएंगे कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर आप चार गवाह नहीं पेश कर सकेंगे तो फिर आपको 80-80 कोड़े लगाए जाएंगे, जैसे वाकिफ में कोड़े लगाने का तस्करा हुआ। यौम तशहद अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून, जिस दिन इनके खिलाफ इनकी जबानें, इनके हाथ और इनके पैर इनके करतूतों की गवाही देंगे। दुनिया में आदमी तो वैसे ही गुजार लेता है, कहा मरने के बाद जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे तो हमने आपने जो आमाल बजा लाए हैं इस आमाल से मुतालिक जिस्म के हिस्से गवाही देंगे। पढ़ते सूरह यासीन में अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, जबान बंद, आज हम जबान पे ताला लगा देंगे, जबान खुलेगी नहीं। तो इंसान का हाथ और इंसान का पांव गवाही देगा जो इसने किया होगा। बल्कि कुरान मजीद की दूसरी आयतों में है कि इंसान का रुआ रुआ चमड़ा चमड़ा गवाही देगा, जिस्म का हिस्सा हिस्सा गवाही देगा। तो इंसान खुद पूछेगा लिमा शहीद तुम अलैहि ना, तो तुम हमारे खिलाफ गवाही क्यों देते हो, जलेंगे तो सब ना जलेंगे। तो जिस्म का हिस्सा रुआ रुआ बोलेगा अंतकन अल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल शय, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, वही अल्लाह हमसे बुलवा रहा है जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया को बोलने की ताकत दी है।
कल चमड़ी के जबान से बुलवा रहा था और जिसमें के सारी चमड़ी से बुलवा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के अख्तियार है। तो कहा अगर तुम इस किस्म की हरकतें दुनिया में कर लिए, मैदान महशर में तुम्हारी पेशी होगी, तुम नाम अमाल का इनकार कर जाओगे, न ऐसा ऐसा कुछ नहीं किया है, तो अल्लाह ताला कहेगा ठीक है हम तुम्हारे सामने गवाही पेश करते हैं, तुम्हारा जिस्म का हिस्सा बोलेगा। यहां अल्लाह ने कहा जिस दिन उनके खिलाफ उनकी जबान भी गवाही देगी, उनके हाथ भी गवाही देंगे, उनकी टांगे गवाही देंगे, किस चीज की बिमा कानू या अमलून ये करते रहे। तो इंसान अगर किसी की गवाही नहीं चाहता, दुनिया में तो आम इंसान से जिना का इल्जाम लगाने वाले पर 4 गवाहों का मुतालबा किया गया है, 4 गवाह नहीं पेश कर देंगे मुजरिम हो गए। कल मैदान महशर में अलग से किसी गवाह को लाने की जरूरत नहीं होगी, मुजरिम इंसान की मुजरिमाना जहनियत की गवाही उसके जिस्म का हिस्सा हिस्सा देगा, कहां बच के जाएंगे। يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين। उस दिन अल्लाह ताला इन्हें पूरा पूरा हक के साथ बदला अता करेगा, जो जिस लायक होगा उसको बदला उसी अंदाज से मिलेगा। अच्छा अमल किया है अच्छा बदला मिलेगा, बुरा अमल किया है बुरा बदला मिलेगा। इस बदले में कटौती नहीं होगी और ऐसा नहीं होगा कि गुनाह आपने कम किया है सजा बढ़ा के दिया, नहीं, सजा उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी सजा है। हाँ अल्लाह तबारक बताला बेहतर बदला बढ़ा के देगा, अल्लाह जितना चाहेगा उसकी मशीयत पर मौकूफ है। وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ, वो जान ले कि अल्लाह तबारक बताला हक भी है और वाजे भी है, यानी वाजे करने वाला भी है। अल्लाह हक भी है और अल्लाह मुबीन भी है। ये आदमी को जान के रखना चाहिए, क्यों जान के रखना चाहिए कि हक है तो हक ही का साथ देगा और अल्लाह के सामने कोई चीज पोशीदा नहीं है, सब चीज जाहिर है, तो कल कयामत में तुम्हारे करतूतों को जाहिर भी कर देगा। इसलिए अपने आप को इस दुनियावी जिंदगी में गलत हरकतों से बचा के रखो, वरना मैदान महशर में कोई बचाने वाला नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे सामने होंगे, तुम्हारा किरदार तुम्हारे सामने होगा और जिस्म के हिस्से तुम्हारे खिलाफ गवाही भी दे रहे होंगे। अब पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं, फमै यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा फमै यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबरी भलाई और बुराई का काम किया होगा सब उसको आप देखेंगे, कोई चीज आपकी पोशीदा नहीं होगी। अल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून वलिल खबीसात वत्तय्यिबात लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم। एक उसूल बदला गया, आम तौर से इसके मुताबिक अमल होता है। الخبيثات للخبيثين, खबीस और बदतरीन किस्म की औरतें बदतरीन किस्म के मर्दों के लिए होती है। والخبيثون للخبيثات, खबीस किस्म के मर्द खबीस किस्म की औरतों के लिए मुनासिब है। व तय्यिबात लित्तय्यिबीन, पाकीजा औरतें पाकीजा मर्दों के लिए है। व तय्यिबून लित्तय्यिबात, और पाकीजा मर्द पाकीजा औरतों के लिए। तो होना तो यही चाहिए, दुनिया इसी को सही समझता है। अब देख लीजिए कि जो इंसान जिस फील्ड में होता है जिस माहौल का होता है उसी माहौल में शादी ब्याह भी करता है। फिल्मी दुनिया में रहने वाला इंसान इधर उधर शादी नहीं करता, वो फिल्मी दुनिया ही में शादी करता है। जैसे उरियानी से दो चार होते हैं, जैसे बरहंगी से दो चार होते हैं, बरहना पनी से दो चार होते हैं, उस तरह की हरकतें उनके लिए आम होती है। अच्छे लोग शरीफ लोग शराफत को देखते हैं और शरीफ ज्यादा या शरीफ जादियां तलाश करते हैं, ये उसूली चीज है। अब अगर कभी कभी इस तरह से हो जाए, मान ले कि अच्छा लड़का को खराब लड़की मिल जाए, खराब लड़की को अच्छा लड़का मिल रहा है, ये अलग सी बात है, लेकिन उमूमन होता यही है कि लोग अच्छे के लिए अच्छा खोज जाता है और अच्छे मिल भी जाते हैं, बुरे के लिए बुराई खोजते हैं और उसी अंदाज की बात हो भी जाती है। समाज के बताना है कि तुम तो जान रहे हो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत तो बड़ी पाकीदा शख्सियत है, आखिर उनके घर में हजरत आयशा बदतमीज किस्म की औरतें कैसे हो जाएंगी जिनका रिश्ता किसी और से ताल्लुक जुड़ जाए और गलत किस्म की हरकत करना शुरू कर दें। इसका मतलब है कि तुम्हारा हजरत आयशा भी इल्जाम लगाना सरासर बोतान है,
इस किस्म की बातें तुम्हारी जबान से निकलने भी नहीं चाहिए। अगर किसी ने तुम्हारे सामने हजरत आयशा के खिलाफ इस तरह बोला तो मैं समझना चाहिए कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं हो सकती है, फौरन इनकार कर जाते। लेकिन तुमने इनकार करने की बजाय उसे मजा लिया है, तो सुनो, तुमने मजा लिया, सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ा दिया। लेकिन अल्लाह तबारक बताला जमानत देता है और अल्लाह तबारक बताला फैसला सुनाता है। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून, ये पाक है, ये सब पाक है उन बातों से जो ये कहा करते हैं। हजरत आयशा भी इल्ज़ाम लगाया, हजरत सफ़वान बिन मुअत्तल भी इल्ज़ाम लगाया, इन दोनों के पूरे ख़ानदान पर इल्ज़ाम लोगों ने लगा दिया। क्या ये सब के सब पाक है, मुबर्रा है, बरी जिम्मा है, इसका इन बुराई से कोई लेना देना नहीं है। तुम लाख मरतबा सर पटक पटक के बयान करते रह जाओगे, अब तुम्हारी बात का कोई एतबार नहीं होगा। अल्लाह तबारक बताला उनकी पाकदामनी का इजहार करते हुए कहता है उलाइक मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून, ये लोग जो बकते हैं, बकवास करते हैं, इन तमाम बकवासात से ये सब के सब लोग मुबर्रा है, पाक साफ अलग थलग है। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और सुनो उनके लिए अल्लाह तबारक बताला की जानिब से मग़फ़िरत भी है और बाइज़्ज़त रोजी भी है। कोई लग़्ज़िश हो ना हो, अल्लाह तबारक बताला ने पहले ही मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया। गोया हज़रत आयशा और उनके घराना की पाकीज़गी का तज़किरा कर दिया। अब अगर कोई इंसान सिद्दीक़ का एक कायनात पर इल्ज़ाम लगाता है, वो इंसान दरअ़ी का शक्ल इंसान में शैतान है, क्योंकि शैतान चाहते हैं अहले ईमान के दरमियान बुराई को फैलाना। और अल्लाह तबारक बताला ने कहा वला तत्तबी खुतवाती शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलना। इस तरह अहले ईमान के अंदर बुराइयों को परवान चढ़ाने की बातें करना, ये शैतान का कारनामा है, उससे परहेज करना। अच्छे इंसान पर अगर कोई इंसान इल्ज़ाम लगाता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे उस इल्ज़ाम से बरी जिम्मा समझो। आज तो अल्लाह तबारक बताला की जानिब से वही आने वाली नहीं है, लेकिन मुसलमानों को अल्लाह ने उसूल सिखला दिया है, जब तक तुम्हें तहकीकी रिपोर्ट ना मिल जाए और तुमने अपनी आंखों से उसका मुशाहिदा और मुआयना ना कर लिया हो, तब तक तुम्हें उस सिलसिले में कुछ बोलने की जुरत भी नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने बोला है समझ लो तुम गुनाहगार हो, अल्लाह के मुजरिम गर्दाने जाओगे। तो अल्लाह ने क्या कहा, उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून, ये लोग जो इनके खिलाफ बकते हैं उन तमाम तर बकवासात से ये लोग बरी है, पाक साफ है, निथरे हुए और सुथरे हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए मग़फ़िरत भी है और पाकीज़ा रोज़ी भी है। अल्लाह उनकी ख़ताओं को माफ़ कर चुका है और जन्नत में उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बेहतरीन बेहतरीन नेमतों का बंदोबस्त भी कर दिया है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह हम जुमला मुसलमानों को शैतानी हथकंडों से बचने और उसके नक्श कदम पर चलने से महफूज रखें। अब एक